कुत्ते की मौत मरे हैं ये अहले बैत के दुश्मन इन 12 सालों के अंदर, और ऐसी मौत मरे हैं कि अब ये इनके चीथड़े उड़ रहे हैं। तो अब इसकी तो कोई रेमेडी नहीं है। इसकी रेमेडी मैंने शुरू दिन में ही कहा था कि जब तक ये कुरान बुखारी मुस्लिम का इनकार नहीं करेंगे ना, ये इस मुसीबत से जान नहीं छुड़ा सकते। और हम यही चाहते हैं कि इनकार करें, ताकि कोई चार बंदे को साथ रह गए उनको भी पता चल जाए कि ये असल में मुनकरीन हदीस है। इस हदीस के बारे में बात तो शायद कभी मौका मिले, मगर मैं ज़मीनन कह दूं कि बेशक ये बुखारी में है, मुसनफ़ अब्दुर रज़ाक में, मगर कौन बयान करता, शुरू से लेकर सारे शामी हैं। कोई मक्के का, मदीने का, इराक का, दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क में किसी को खबर नहीं है कि हजूर ने ये इतला दी थी। सिर्फ शामी बयान करते हैं, जहाँ दारुल हुकूमत था मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का, बाद में यज़ीद और उनकी सारी औलाद, कुल्लुहुम शामीयून, पहले से लेकर आखिरी रावी तक सब शामी। और शामी भी कैसा, सौर बिन यज़ीद अल कुलाई, जो मदीने में इमाम मालिक साहब ने कहा कोई इसके पास ना बैठे, ना इसकी रिवायत लिखे बीमारी क्या थी, वो भी नासबी था। जैसे वो खालिद बिन अब्दुल्ला का बनाया ना मक्के का गवर्नर, जो अली को गालियां दे, इसका भी यही काम था कि हज़रत अली को कहता था मैं उसको पसंद कर सकता हूँ जिसने मेरे दादे को कतल किया था, मेरा दादा जंगे से। भाई ऐसे दुश्मनाने अहल बैत की हदीसें लिए फिरते हो, जब उसूल ये है, सारे जानते हैं कि कोई आदमी अगर ऐसी हदीस रिवायत करे कि उस आदमी का ताल्लुक किसी खास ग्रोह से हो और उसके अलावा उसकी कोई ताइद ना करे, ये सारी उम्मत का मुसलमान असूल और अक्ल की बात है, वो बात नहीं ली जाती। वो तो उस ग्रोह का आदमी, उसने तो कहना कोई गैर जानब बयान करे। इसीलिए उलमा ने यह असूल बयान कर दिया कि अगर कोई शिया ऐसी हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह की शान में या अहले बैत की शान में बयान करे जो दूसरे किसी मुसलमान ने बयान ना की हो, तो बेशक वो सच्चा और दयानतदार, हम नहीं उसकी बात मानेंगे। शुबा है, क्योंकि इसका यकीदार मसल क्या उसकी हिमायत में गढ़ी होगी। बात कदरे दिल को लगती है कि वाकई मोहताज रहना चाहिए, मगर यहाँ आकर सारे असूल खत्म। सौर बिन यज़ीद अल कुलाई का निकाल लें तर्जमा, अगर ये हदीस से दुश्मनी रखने वाला नहीं था मेरे दिन में लगा। इसकी हदीस मोतबर होती, जो इल्म में हदीस है उसके मुताबिक कोई ग्रोह जिसका खास अकीदा वो अपने मसल की हिमायत में। भाई नासिबी ने तो कहना ही था कि मुआविया जन्नती और यज़ीद बख्शा हुआ, कोई और कहता है किसी किताब में दूसरे कोई रिवायत है, यह ज़मीनन बात आ गई। इसकी रेमेडी मैंने शुरू दिन में ही कहा था कि जब तक ये कुरान बुखारी मुस्लिम का इनकार नहीं करेंगे ना, ये इस मुसीबत से जान नहीं छुड़ा सकते।